विश्व हिंदू परिषद युवाओं की शाखा बजरंग दल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति शुक्रवार को हुतात्मा दिवस पर वीर शहीद कार्यसेवकों की याद में होने वाले दधीच रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने किया। रक्तदान के बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान के इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा, जिसमें मुख्य रूप से ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव, ए के मौर्य, संजय कुमार, राकेश मिश्रा, श्वेता यादव, गीता यादव आदि शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गोरक्ष प्रांत दुर्गेश त्रिपाठी और CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, तो ठीक है सर, अभी हम डिटेल में व्यवस्था कर रहे हैं। अरे महेश जी, हम लोग के ब्लड बैंक की वेट कितना है जरा? अंगूठा अंदर रखिए, अंगूठा अंदर रखिए, फिर भी अंदर भी पहनाना चाहिए। हाँ अपने महेंद्र चतुर्वेदी जी महेंद्र दुर्गेश त्रिपाठी प्रांत सहसंयोजक बजरंग दल। बजरंग दल प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में वीर शहीद कार्यसेवकों के याद में हुतात्मा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर में यहाँ जिला अस्पताल ब्लड बैंक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्त सैनिकों जरूरतमंदों के लिए हम लोग यहाँ पर दान करते हैं। आज हम लोग प्रातःकाल लगभग 9 बजे से रक्तदान प्रारंभ हो चुका है। अभी तक लगभग 20 यूनिट रक्तदान की संभावना है, हो चुकी है। सायंकाल तक 50 यूनिट का आज हम लोग का लक्ष्य है कि 50 यूनिट कम से कम आज हम लोग करेंगे। बजरंग दल की तरफ से हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और बजरंग दल हमेशा गाये बगाए हमारे यहाँ रक्तदान करता है। यहाँ तक कि कोविड जब चरम सीमा पे था हमारे गोरखपुर में, तब भी इनका एक शिविर लगा था जिसमें 30 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया था। उसी कड़ी में आज पुनः यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक 15 ब्लीड किए जा चुके हैं और अभी लोग रजिस्टर्ड हैं जिनकी वो होगी। एक बहुत ही पुनीत कार्य है, मैं उनकी और उनके लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जज्बा बना रहेगा और रक्तदान का सिलसिला इस तरह से चलेगा, क्योंकि रक्त कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए वो उपलब्ध होता है। और अब तो हम लोग उसको सेपरेट करके एक बॉटल से 4 लोगों की जान बचाते हैं, तो ये इतना पुनीत काम है कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं बजरंग दल को तहे दिल से और उनके पदाधिकारियों को जो मौजूद भी हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बताया गया कि कई लोग इस संस्था के जुड़े ऐसे लोग हैं जो 70 बार, 35 बार, 40 बार रक्तदान किए हैं। आपको पता होगा कि 3 महीने के बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 60 से ऊपर ना हो, डिजीज ना हो, तो वो रक्तदान कर सकता है। तो इन लोगों ने संभवतः इस जो मापदंड है इसको पालन करते हुए 70 बार रक्तदान किया है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।